न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। और आज मेरा साथ मेरा एक पुराना यार है, पुराना मित्र है, नाम है अमिताभ बेहार। वो ऑक्सफैम इंडिया का सीईओ है और काफी साल से, लग रहे काफी दशक से, इन्होंने ये जो सामाजिक क्षेत्र, जो सोशल सेक्टर कहते हैं, उसमें इन्होंने काम किया। और सार्वजनिक शासन, पब्लिक गवर्नेंस, और एक तरह से सरकार को कैसे, और सिर्फ सरकार नहीं, अलग अलग संस्थाओं में जो जवाबदाही आप कहेंगे, जो अकाउंटेबिलिटी कहेंगे, इस विषय के ऊपर इन्होंने काफी दिन, काफी साल से इन्होंने काम किया। और ये अलग अलग एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन के साथ इनका संपर्क रहा है। तो अमिताभ जी, धन्यवाद आपने आपका समय आज न्यूज क्लिक का दर्शक को आपने दिया। और आज चर्चा का विषय है जो सरकार ने बदलाव लाया है, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि इनका हिंदी नाम है विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम। इसमें जो संशोधन लाया है, इसका माने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो नया जो रूल्स, जो नया जो अधिनियम, ये हमारे जो अलग अलग एनजीओस है, अलग अलग जो गैर सरकारी संगठन है, जो विदेश से धन मिलते हैं, पूंजी मिलते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अमिताभ जी, आपने एक लेख में, स्क्रोल में, आप लेख में कहा, इसमें एक राजनीतिक संदेश सरकार सारे एनजीओस को, सारे गैर सरकारी संगठन को देने चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, आपको हम फंसा देंगे, फॉल इन लाइन और एल्स। तो बहुत सारे प्रश्न है मेरा, मगर अगर आप जो बड़ा छवि है, द बिग पिक्चर, ये सरकार क्यों लाए हैं कानून में ये संशोधन, और आपने जैसे कहा और भी लोग कह रहे हैं, इसका एक दूरगामी परिणाम है, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और एक तरह से जो जो गैर कानूनी संस्था, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों का जीविका, जेंडर जस्टिस, जो जो लैंगिक समानता, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो कोशिश कर रहे लिंग भेदभाव को कम करने के लिए, इन सब के लिए ये जो नया कानून, कानून में जो संशोधन लाया है, एक तरह से एक घातक चोट, अ डेथ ब्लो, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? ये मसला हम सबके लिए बड़ा गंभीर मसला है, और उम्मीद है इस पर हम लोग थोड़ी विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पहले FCRA कानून को ही समझना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और FCRA कानून को समझने के लिए हम लोगों को इमरजेंसी के दौरान जाना पड़ेगा। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने इस कानून को वो लाई थी, और इस उम्मीद से लाई थी कि जो उनके विरोध में खड़े हैं वो कहीं से विदेशी धन ना ला सकें और एक मजबूत विपक्ष की कल्पना ना हो सके। लेकिन शुरुआत उन्होंने कानून के रूप में इस तरह से की थी, लेकिन वो बहुत सीधा सा प्रयास था कि जो व्यक्ति सवाल उठाते थे सरकार पर इमरजेंसी के दौरान, उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए। तो देखिए, मुझे लगता है पहले दिन से ही ये निगरानी का कानून नहीं था, ये नियंत्रण का कानून था। और इसका फिर बड़ा संशोधन हुआ 2011 में, और ये हुआ मनमोहन सिंह जी ने किया, लेकिन उसका भी जो पृष्ठभूमि है वो समझना चाहिए। और वो उन्होंने तो फ्लोर ऑफ हाउस से भी कहा था कि कुडलकुलम में किस तरह से विदेशी ताकतों ने धन लगाया जिससे कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार न रह सके। और फिर दूसरा उसका जो महत्वपूर्ण पड़ाव था वो था मनमोहन सिंह ने 2011 में
एफसीआरए में फिर बुनियादी परिवर्तन किया, और ये उन्होंने किया कुडलकुलम की बात करते हुए। उनका कहना था कि कैसे विदेशी ताकतों ने भारत के गैर सरकारी संगठनों द्वारा आंदोलन करके भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, और इसलिए उन्होंने फिर गहरा प्रहार किया पूरे के पूरे गैर सरकारी संगठनों पर एफसीआरए के द्वारा। और ये आप देखें, जब जब से फिर मोदी सरकार आई उसके बाद ये और धारदार होता गया। पहले इसका इस्तेमाल उस 2011 के एफसीआरए कानून का, जिसमें बहुत धारदार तरीके से उन्होंने बहुत से गैर सरकारी संगठनों को बंद करना शुरू किया। उसमें कई ऐसे संगठन थे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना, जब वो कहते हैं 19,000 संगठन बंद किए, उसमें से ज्यादातर ऐसे थे जो अपने आप बंद हो चुके थे। आज से उससे 20 साल पहले उन्होंने कभी एफसीआरए में काम किया होगा, उसके बाद उनका काम समाप्त हो गया, तो उनमें से कई वैसे थे। पर कई संस्थाओं को राजनीतिक नजर से भी, जो मुश्किल काम करते थे उनको भी रोका गया। और अब आज का जो माहौल है, आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों में हम लगातार एक राजनीतिक कड़ियां देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीकों से जो भी लोग सवाल उठाते हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसमें से एक बड़ा प्रहार गैर सरकारी संगठनों पर है। और इसको मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ये जो बजट था इस साल का, उस इस साल के बजट को भी हम न भूलें, उसमें एक कहीं से नया एक आ गया जरूरत सारे गैर सरकारी संगठनों को, कि उनको जो इनकम टैक्स से चैरिटेबल स्टेटस मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उनको चैरिटेबल स्टेटस मिलता है तो उनकी जो भी आय होती है उस पे उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर 5 बरस में आपको जाके फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा अपने चैरिटेबल स्टेटस में, तो वहां शुरुआत हो गई थी। और फिर उस कड़ी में आप इस एफसीआरए को देखते हैं। मेरा कहना है कि आपने जैसे कहा ये एफसीआरए ये कानून का जो शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी के समय, आपातकालीन समय में, उसी समय ये विदेशी अनशन विनियम में एक अधिनियम आए थे, फिर ये मनमोहन सिंह सरकार में इसमें और भी संशोधन लाया। एक फर्क बहुत लोग देख रहे हैं कि इस बार किसी को मालूम नहीं था कि ये कानून में ये बदलाव आने वाले हैं। 20 सितंबर जब तक ये बिल लोकसभा में इन्होंने पेश नहीं किया, लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसे कानून में बदलाव आने वाले हैं, संशोधन आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं एकदम चुप के इन्होंने किया, और जो सार्वजनिक एक परामर्श प्री लेजिस्लेटिव पब्लिक कंसल्टेशन, आप लोगों के साथ परामर्श कीजिए, बातचीत कीजिए, उनका जो भी राय है मत है ये भी सुन लीजिए, और अलग अलग जो जो स्टेक होल्डर्स है, जो जो हितधारक है, उनका बात भी सुनिए। इस बार सरकार ऐसा कुछ नहीं किया, अचानक ये बिल आ गया लोकसभा, यही क्या फर्क है? बहुत बहुत बड़ा फर्क है प्रंजय। अगर आज आप आज का समय देखें तो जितने कानून हैं वो एक तरह से ड्राफ्ट फॉर्म में आते हैं पब्लिक डोमेन में, लोगों के लिए वेबसाइट पे रखे जाते हैं कि आप उस पे अपनी टिप्पणी करें, उसके लिए सुझाव भेजें। और एक तरफ ये माहौल है, और आपने अभी देखा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर भी उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, पर वो लोगों के पास मौजूद था कि उस पर लोग कमेंट कर सकते थे। और इस एफसीआरए कानून में मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% से ज्यादा लोगों को उस सुबह तक नहीं पता था कि आज लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला है। और इसमें मैं ये भी कहूंगा 99% गैर सरकारी संगठनों को भी नहीं पता था, ना कभी कोई प्रयास किया गया कि किसी भी गैर सरकारी संगठन से चर्चा हो। अगर उन्होंने अपने कुछ 5 साथियों से किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं पर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई, सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई, और अचानक ये कानून आ गया। और ये आज की जो पूरी की पूरी मेरी समझ में समझ है गवर्नेंस की, उससे बिल्कुल बिल्कुल ही उसके खिलाफ है।
कि आप कानून लोगों के बारे में बना रहे हैं जिनके लिए कानून बन रहा है, जिन पर इसका बड़ा गहरा असर होगा, उनसे इतनी सी भी चर्चा नहीं की गई। और वो ये दिखाता है कि ये पूरा का पूरा कानून, आप देखिए, मतलब ये प्रक्रिया ही आपको बता देगी कि ये कानून के मूल में सस्पिशन है, शक है, न कि प्रयास है कि आप किसी तरह से इस सेक्टर को बेहतर कर सकें। तो ये बुनियादी समस्या है यहां पर कि शक के बिना पर आपने कानून किया, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है गैर जवाबदेही का। और मैं आपको, आप मौका देंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने जवाबदेही के स्तरों पर हमें काम करना पड़ता है गैर सरकारी संगठन। हाँ, इसीलिए आप जरा विस्तार में कहिए, क्योंकि सरकार कह रहे हैं हमारा क्या उद्देश्य है, एक नियंत्रण लाना, जैसे एनजीओज है, अलग अलग गैर सरकारी संगठन है, इनको नियंत्रण में लाना है, सरकारी नियंत्रण में। क्यों? इनमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही होना चाहिए, और अलग अलग, आपने कुछ देर पहले आयकर कानून के बारे में कहा, और सिर्फ आयकर क्यों, आपका प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि भी है, ग्रेच्युटी भी है, आपका उपहार भी है, और जिस तरह से आप हमारे गृह मंत्रालय में, आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, हाँ, हर तिमाही में आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, और अलग अलग राज्य में चैरिटी कमिश्नर जो है, जो धर्मार्थ जो आयुक्त है, इन लोग को भी आपको बताना पड़ेगा, आपका जो डोनर है, आपका जो दाता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, और कुछ भी अदल बदल हुआ, आपका बैंक का खाता में कुछ बदल आ गया, या आपका कोई निर्देशक का कोई पता में भी आपको बदल, ये सब सरकार को बताना पड़ेगा। मगर सरकार कह रहे ये जरूरी बहुत है, क्योंकि आप लोग ऐसे 21,000 से ज्यादा ऐसे एनजीओ है जिसके पास एफसीआरए लाइसेंस है, और इसमें शायद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये लाइसेंस का दुरुपयोग किया, ठीक तरह से पैसा, जिस कारण के लिए पैसा लिया वो कारण के लिए पैसा खर्च नहीं किया। तो ये कारण दिखा रहे सरकार कि क्यों इन्होंने ये कानून में ये बदलाव लाए हैं, संशोधन लाए हैं, कारण नहीं दिखा रहे हैं, ये तो बस एक स्लोगन दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये फिर से एक जुमला है। आपको कारण ये होता अगर आप विस्तार से कह पाते कि इन 21,000 संस्थाओं में से इतने सारे संस्था जवाबदेही नहीं मानते हैं, तो सवाल ये होता। आपने तो विस्तार से कह दिया कि हम लोगों को कितनी जवाबदेही की जरूरत पड़ती है, और मैं उसको फिर कह दूं, मतलब संक्षेप में कह देता हूं। पहला, हर तिमाही हमको एफसीआरए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाकर हमारा एफसीआरए कहां से पैसा आया, किस प्रोजेक्ट के लिए आया और कैसा खर्च हुआ, वो हमें उनको देना पड़ता है। अब इससे ज्यादा जवाबदेही आप क्या चाहेंगे? फिर साल के अंत में एमएचए को पूरी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। दूसरा, आयकर विभाग को हमको पूरा का पूरा अपना इनकम स्टेटमेंट और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देना पड़ता है। तीसरा, हर डोनर के पास आप विस्तृत जानकारी देते हैं कि आपका खर्चा कैसे हुआ, और ये ऑडिटर देता है, सिर्फ हम अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद आपने कहा जितने अलग कानून हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी का हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का हो, सारे कानूनों को हमको मानना पड़ता है। तो मेरा सवाल है, जवाबदेही की कमी कहाँ है? हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी इस सेक्टर की जवाबदेही अब बल्कि दूसरे सेक्टर्स की तुलना में ज्यादा है। तो ये तो ओवर रेगुलेटेड सेक्टर ऑलरेडी है, और आप वहां कह रहे हैं कि पारदर्शिता की कमी है। कैसे पारदर्शिता की कमी है? अगर सरकार खुद एफसीआरए का सर्टिफिकेट देती है, सरकार को ये पता है कि किस बैंक में वो पैसा आता है, वो एक ही बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हम चार बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, हर 3 महीने में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें जवाबदेही की कमी है? और मैं फिर भी अगर कोई मुझे एक ठोस वजह समझा दे, मैं ये कहूंगा कि हम जिस तरह का काम करते हैं, जिसमें हम सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसके पास भी सत्ता है उससे जवाबदेही मांग रहे हैं, तो हमें तैयार होना चाहिए कि हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है जवाबदेही के, उसका पालन करें। पर कहीं जब कोई समस्या नहीं है तो मंशा पर बहुत चिंता होती है कि ये मंशा क्या थी। ये सवाल बड़ा उठता है, और इसीलिए ये सारे सवाल आते हैं कि क्या ये हमारी आवाज जो है, जो आम तौर पर आवाज होती है
गरीब लोगों की आवाज, मजलूम की आवाज, जो हाशिए पे रहते हैं उनकी आवाज, उसको उठाने का काम गैर सरकारी संगठन करते हैं। तो क्या उसको बोलने का मौका ना दिया जाए, यही यही प्रयोजन है क्या? आप जैसे कहा, सिर्फ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पास जितना धन होना चाहिए, जितना संपद होना चाहिए, जितना लोग होना चाहिए, इतना नहीं है। हमारे देश में अभी भी बहुत लोग के पास ठीक तरह से खाद्यान्न कहिए, शिक्षा कहिए, प्राथमिक शिक्षा कहिए, स्वास्थ्य का सुविधा कहिए, और सिर्फ ये सारी चीजें नहीं, अपने जीविका के लिए बहुत सारे ये सारे चीज साथ साथ आपको एक मानव गरिमा का भी जरूरत है, आप मानव अधिकार का भी जरूरत है, यू नीड ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये जितने संस्था जैसे एनजीओज है इस इलाका में काम करते हैं, जो जमीनी स्तर पे है, जो ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आपका कहना ये है कि आज ये छोटे छोटे संस्थाएं, आप जैसे ऑक्सफैम जैसे बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय एक गैर सरकारी संगठन नहीं, ये छोटे छोटे हजारों ऐसे छोटे छोटे संस्थाएं, इनके भी काम में एक तरह से रोक आ जाएगा और काम बंद करना पड़ेगा, और साथ साथ इन बहुत सारे आदिवासियों, जो जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महिला है, इनका जीविका के ऊपर, इनकी नौकरी के ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप देखें गैर सरकारी संगठनों के काम क्या है, ये अगर हम समझें, गैर सरकारी संगठनों के काम मूलतः दो रूप से देखे जा सकते हैं। पहला जो है कि भारत की गरीबी में बहुत से लोगों को, कोई भूख में है, किसी को न्यूट्रिशन की कमी है, किसी को शिक्षा की कमी है, कहीं आजीविका की कमी है, और ये एनजीओस करते क्या हैं? जो फॉरेन मनी जो आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी संस्थाओं के पास आता है, और वो बड़ी संस्थाएं फिर उसे सब ग्रांट करती हैं ऐसी संस्थाओं के पास जिनके पास ऑलरेडी FCRA का लाइसेंस है, और वो कहीं कोई गोंडा में काम कर रहा है तो कहीं कोई खरगोन में काम कर रहा है तो कहीं कोई केंद्रपाड़ा में काम कर रहा है, छोटी जगहों पर लोगों के साथ मिलकर प्रयास ये करते हैं कि उनकी उनका जीवन बेहतर हो सके। तो अब इस काम में बहुत बड़ी बाधा आएगी, क्योंकि इस नए FCRA कानून में जो संशोधन किया गया है उसमें ये कहा गया है कि पहला रेसिपिएंट तो रिसीव कर सकता है पैसा, पर वो किसी दूसरे रेसिपिएंट को नहीं दे सकता। तो ये जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, कोई अपाहिज लोगों के साथ काम कर रहा है, कोई वृद्धों के साथ काम कर रहा है, अब इन लोगों के पास वैसे ही कम लोग होते हैं, 5 लोग 7 लोग जो फील्ड में जाकर रोज काम करते हैं, अब इन लोगों के पास वो काबिलियत नहीं होती कि वो एक अच्छा सा प्रपोजल बना सकें जिसको विदेश में बैठी दाता संस्था समझ सके, उसका एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना, उसके लिए एक थ्योरी ऑफ चेंज बनाना, ये सब वो नहीं कर पाते हैं। वो बहुत बढ़िया काम करते हैं जिससे कि वो वृद्ध व्यक्ति जो है उसका जीवन बेहतर हो जाए, जो भूख में है उन तक भोजन पहुंच सके, तो ये जो बड़ी संगठन है वो करते हैं। तो हमने जैसे ऑक्सफैम के रूप में रिसीव किया, आप हमारे पार्टनर्स देखिए, बहुत से पार्टनर्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, बहुत सारे पार्टनर हमारे काम कर रहे हैं कैसे आदिवासी क्षेत्रों में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के आधार पर आजीविका बनाई जा सकती है। तो इस तरह के कामों पर इतनी खलल पड़ेगी आप कि बहुत गंभीर समस्या होगी, और लाखों लोगों तक, मतलब मैं तो मुझे भरोसा है करोड़ लोगों तक जो गैर सरकारी संगठन पहुंचते हैं उनके काम में बाधा हो जाएगी। ये जो एक कानून में जो संशोधन लाए हैं, जो बदलाव लाए हैं, एक काफी महत्वपूर्ण एक बदलाव लाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो प्रशासनिक एक व्यय है, इससे पहले जब आप जो पूरा विदेश से पैसा आ रहा है, इससे पहले था आप इसका आधा के आसपास आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि प्रशासनिक व्यय की तरह से आप खर्च करते, ये कम कर दिया
20%, 20%। और इसका आपने टिप्पणी किया कि इसके असर पड़ेगा ऑक्सफैम जैसे गैर सरकारी संगठन है, और आप जो अनुसंधान करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, आप जो एडवोकेसी करते हैं, जो वकालत करना, ये सारे चीज के ऊपर आपका एक तरह से पाबंदी इन्होंने लगा दिया। और साथ साथ जो निजी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा भी दे रहे हैं, जो कंपनियां का जो सामाजिक जो जिम्मेदारी है, इसके ऊपर भी एक असर पड़ेगा। ये जरा आप समझा दीजिए कैसे, क्योंकि सरकार का जो युक्ति है कि आप विदेश से पैसा ले रहे हैं और इसका सिर्फ आप 50% जो कारण के लिए आप ले रहे हैं वही कारण के लिए आप खर्च कर रहे हैं, और बाकी आपका दफ्तर चलाने के लिए, आपका लोगों को तनख्वाह देने के लिए आप चला रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। ये 50% से 20% कम कर दिया, यही हमें लग रहा है सरकार का युक्ति है। तो इस विषय के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार से हमारी पूरी सहमति है कि जो पैसा विदेश से आता है उसका पूरा का पूरा हिस्सा लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जिस विषय के लिए आया है उस पर इसका खर्च होना चाहिए, और उससे किसी को इनकार नहीं होगा और उससे पूरी सहमति होगी। लेकिन हमको यह समझने की जरूरत है कि किस तरह के काम गैर सरकारी संगठन करते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एक वाटरशेड का काम करते हैं या एक स्कूल चलाने का काम करते हैं, तो सही है कि सारा का सारा पैसा वो स्कूल के खर्चे में जाएगा या वाटरशेड में जाएगा, और वो महत्वपूर्ण है और जाना भी चाहिए, और उस तरह की संस्था में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 20% भी नहीं, उससे कम भी होती है। लेकिन सवाल ये है कि गैर सरकारी संगठन सिर्फ सर्विस डिलीवरी का माध्यम नहीं, और ये बुनियादी चर्चा है जिसपे हमें वापस आना चाहिए। गैर सरकारी संगठन की दो बड़ी भूमिकाएं हैं, एक भूमिका जो सर्विस डिलीवरी की है जिसकी हमने बात की, पर दूसरी भूमिका है सरकार को जवाबदेह बनाने की, नए विचारों को समाज में लाने की, नए तरह से रिसर्च करके क्या देश में हो रहा है, सामाजिक क्या व्यवस्था चल रही है उसको समझने की। अब इस सब को करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, आप रिसर्च करते हैं उसके बाद उन सवालों को लेके जाना पड़ता है सरकार तक ही, और बहुत बार सरकार हमें ही कहती है कि आप इस विषय पर कुछ रिसर्च करके लाइए बताइए। अभी जैसे देखिए, अभी जब कोविड हुआ तो हमारे साथियों ने सबसे पहले मुख्य कोविड से हटकर मामला था, पर जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है उसके लिए जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है वो इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं थे। हम लोगों ने उसका जल्दी से रिसर्च किया और ये कहा कि बल्कि कोविड के दौरान हिंसा बढ़ रही है महिलाओं के प्रति, और जिसको फिर मिनिस्ट्री ने भी माना, राज्य सरकारों ने भी माना, और इसलिए उसे इमरजेंसी सर्विस में लाने की बात हुई। लेकिन इस रिसर्च को करने के लिए हमें रिसर्चर की जरूरत पड़ती है और न कि फील्ड में जाके खुदाई करने की जरूरत है। और ये सब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में देखने लगेंगे तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो हमको ये समझना होगा कि बड़ा बड़ा तबका है जो रिसर्च का काम करता है, एडवोकेसी का काम करता है, नेटवर्किंग का काम करता है, कि बेयरफुट डॉक्टर्स महाराष्ट्र में शुरू हुआ, पर उनसे सीख कर हम लोगों ने धीरे धीरे देखा कि बेयरफुट डॉक्टर्स दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। तो इस तरह के बड़े अनूठे प्रयोग होते हैं जिसने बुनियादी रूप से समाज को इतना लाभान्वित किया है और जिस पे कोई असहमति नहीं होगी। कोई सरकार हो ये मानेगी कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा, सिविल सोसाइटी द्वारा बहुत बुनियादी परिवर्तन किए जाते हैं, और उन बुनियादी परिवर्तनों को हम लोगों को नेटवर्क करना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों में ले जाना पड़ता है। तो उन सबको अगर आप कहेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, तो आप एक मैसेज ये दे रहे हैं कि आप सर्विस डिलीवरी करेंगे तो ठीक है, लेकिन बाकी कोई काम आप नहीं कर सकते। अमिताभ जी, एक जो प्रस्ताव है ये नया कानून में, ये लोगों को बहुत आश्चर्य करता है।
आपका जो FCRA का जो विदेश से जो धन आ रहा है, विदेश से जो पूंजी आ रहा है, ये सिर्फ आपका इसके लिए पहले भी था एक अलग बैंक का खाता खोलना चाहिए। अब जो नया जो कानून में संशोधन लाया है, बोला ये बैंक का खाता सिर्फ आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहीं शाखा में, और ये शाखा भी राष्ट्रीय राजधानी या दिल्ली में होना चाहिए। तो हमारे जो छोटे छोटे ऐसे गैर सरकारी संगठन है भारतवर्ष के अलग अलग जगह में है, आपको सिर्फ दिल्ली का एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में आपको खोलना चाहिए, इसका हमें समझ में नहीं आ रहे क्यों सरकार ऐसा किया। तो प्रंजय, इसको तो कोई अंतर्यामी व्यक्ति ही बता सकता है आपको कि ये क्यों किया गया है। मतलब आज हम रोज नारा सुनते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम इस दौरान इस समय से गुजर रहे हैं जब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि गरीब तबके से भी आने वाले छात्र छात्राएं जो हैं वो अपने मोबाइल फोन पर बैठकर घंटों क्लासेस कर लें, उस समय आप ये कह रहे हैं कि सरकार को अपने बैंकिंग सिस्टम पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो उनसे ये जानकारी ले सकें कि अगर मान लीजिए इंदौर की शाखा में एक FCRA का पैसा आया है तो वो कहां से आया है और कितना पैसा आया है। तो मतलब ये तो अपने बैंकिंग सिस्टम पर एक ऐसा कमेंट्री है स्वयं सरकार का कि ये तो बहुत बहुत दुखद है। मतलब मुझे एक नागरिक के रूप में बहुत चिंता होती है कि क्या भारत का बैंकिंग सिस्टम इतना चरमरा गया है कि हमको हर बैंक अकाउंट FCRA बैंक अकाउंट को दिल्ली में लाना होगा। पर और इसका मतलब ये तो मतलब मुझे सच में लगता है मैं मुस्कुराए बिना इसका और जवाब दे नहीं सकता। पर आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप यह सोचिए कि जो व्यक्ति आप ये सोचिए शोलापुर के किसी छोटे तहसील में रहता है, उसको जब अपने FCRA अकाउंट को खोलना है कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। आप कितना भी यहाँ डायरेक्टिव दे दें कि नहीं आपको वहां के SBI अकाउंट से खोल दिया जाएगा, तो इसका तो औचित्य बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, क्योंकि आज भी हर बैंक अकाउंट का डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स FCRA डिविजन के पास है। तो इसकी जरूरत क्या है? क्या ये मतलब SBI के लिए थोड़ा बिजनेस बढ़ाने की बात है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये तो आप जैसे जानकार लोग सोच के बताएं, समझ के बताएं कि ये हमें भी क्या नहीं आ रहे। अमिताभ जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहे। एक और विषय के ऊपर मैं थोड़ा बहुत आपके राय में सुनना चाहता हूँ। तो आपका जैसे गैर सरकारी संगठन NGO है, आपके लिए जीवन और भी जटिल हो गया, आपका काम बढ़ गया, मगर सरकार विदेश से जो निवेशक आते हैं, जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, आप जैसे गैर कानूनी संगठन को जितना मिलता है शायद 10 गुना 15 गुना ज्यादा FDI भी आते हैं, उनके लिए तो आप कह रहे और हमारे अधिनियम जो भी कानून है और भी हम उदार कर देंगे। तो इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या कारण। आप लोग क्या देश के हित में काम करने नहीं चाहते? आप क्या सचमुच आपके बीच ऐसे भी लोग हैं जो देशद्रोही हैं? यही क्या संदेश आ रहा है आपके पास राजनीतिक संदेश? तो प्रंजय, मतलब आप कह रहे हैं 15 गुना 20 गुना ज्यादा, मैं तो कहूंगा 15,000 गुना ज्यादा पैसा आता होगा FDI के रूप में प्राइवेट सेक्टर के पास। आप आंकड़े भी देख सकते हैं उसको, और फिर भी सरकार कहती है कि आपको आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाएगा, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा, अगर लोकल लेवल पर कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहा है हमने देखा है तो भी सरकार पूरी तरह से मेहनत करेगी कि नहीं वो FDI आए और सफलता से आए। और दूसरी तरफ और ये आ रहा है किसी इंडस्ट्री के लिए, और दूसरी तरफ यहां जितना पैसा आ रहा है हर पैसे का हिसाब MHA के पास है, उस बैंक के पास है, और वो पैसा आ रहा है भारत के विकास के लिए, भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत में जो लोगों के पास
जो उनके बुनियादी हक हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे उसे पूरा करने के लिए, गरिमा से जीवन जीने के लिए जो चाहिए आपको उसके लिए ये पैसा आता है। अगर उससे कहीं भी अगर हटकर एक पैसा आ रहा हो तो मैं तो कहूंगा आप उसको पूरी तरह से रोक दीजिए। तो मुझे तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है कि हम इस दौर में आ गए हैं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं कि हम अपने देश को सुंदर बना सकें और बेहतर बना सकें, उसमें आप तरह तरह के रोड़े लगाते हैं। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, और आमतौर पर अनुभव रहा है, बहुत बहुत लोगों ने काम किया है इस विषय पर कि प्राइवेट सेक्टर पर आकर हो सकता है कुछ लोगों को आजीविका मिलती है, पर हम अपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको बता सकते हैं कि कैसे इस तरह के इन्वेस्टमेंट से अंततः भारत में गैर बराबरी बढ़ रही है और दुनिया में गैर बराबरी बढ़ रही है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो कुछ लोगों के लिए उनकी तो जेबें और मोटी होती जाती हैं, पर आम लोगों तक वो नहीं पहुंचता है। और मैं दावे से बार बार कहना चाहता हूं, प्रंजय आप रुकना चाहते हैं, पर मैं दावे से बार बार कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक भी साथी हमारे साथ चले, हर ग्रांट में मैं आपको ले जाके दिखाने को तैयार हूं कि कैसे आम लोगों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। अमिताभ, एक और कारण है इस कानून में जो बदलाव लाए हैं, जो संशोधन लाए हैं, एक फर्क है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट सरकारी नौकर और जो पब्लिक सर्वेंट है यानी कि लोक सेवक है, ऐसे लोग या ऐसे लोगों के साथ जो संस्थाएं हैं, ये विदेशी धन इनको नहीं मिलेगा। आप कह रहे इसके कुछ संपर्क है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक संस्था है लॉयर्स कलेक्टिव, जिसके साथ वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर जी, इंदिरा जयसिंह जी, जो एक समय एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे, वो अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल थे भारत सरकार में एक तरह से, और उन्होंने कहा कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, मैं एक सरकारी नौकर नहीं, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं एक लोक सेवक हूं। तो आप क्या समझते हैं, ये कानून में कोई छूट था जिसको आप सरकार बंद कर दिया? अब जैसे आपने लॉयर्स कलेक्टिव की बात की, 2000 के दशक में जब मेरा पहली बार संपर्क लॉयर्स कलेक्टिव से हुआ, तो वह लोग काम कर रहे थे कैसे घरेलू हिंसा पर हम लोगों को एक कानून की जरूरत है, और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से महिला संगठनों के साथ मिलकर, अलग अलग संस्थाओं के साथ बात कर, महिलाओं से बात कर, सरकारों से बात कर, अंततः इस कानून में, कानून को लाने में मदद की। और आज उस कानून की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा एक बड़ा सवाल बना है। अब इस तरह की संस्था पर, क्योंकि वहां की जो निदेशक थी या संस्थापक थी वो ASG थी, और ASG थी तो उस समय उन्हें पब्लिक सर्वेंट के रूप में देखा गया, पर आपको साथ में ये देखना पड़ेगा कि वो सवाल सिर्फ पब्लिक सर्वेंट का नहीं है, वो उस समय कई राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण केसेस भी कर रही थी। और सवाल यही है कि क्योंकि वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल कर रही थी, केसेस कर रही थी, तो उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वो देखिए, एक स्पेसिफिक केस था उसका, फिर से जैसे मैंने पहले कहा था, क्या एविडेंस है कि बहुत से पब्लिक सर्वेंट्स ये काम करते हैं, और ये तो बड़ा बुनियादी सोच का सवाल था, क्या इस पे डेलिब्रेशन नहीं हो सकता था? मतलब मैं भी राजनीति शास्त्र का छात्र हूं, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत समझता हूं, तो इस पर जरूर चर्चा होनी थी, हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो समझ में आता, पर बिना सोचे ये कह देना कि पब्लिक सर्वेंट भी इससे जुड़ गया। और आप बाद में कहेंगे कि क्या प्रोफेसर भी पब्लिक सर्वेंट है, और आप ये कह सकते हैं तो बड़ा सवाल होगा कि प्रोफेसर भी पब्लिक सर्वेंट है तो प्रोफेसर भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ये तो धीरे धीरे आप व्यापक करते जा रहे हैं कि आप किस किस को अपने अपनी निगरानी में, अपने कब्जे में रख सकते हैं। जो आजादी है उसको रोकने का मामला है। अमिताभ, आज हमारे देश में हम जानते हैं सिर्फ राजनीति नहीं,
राजनीति के साथ धर्म भी एक तरह से जोड़ गया। और आप जो आपका लेख में मैंने पढ़ा कि एक भी एक कारण था ये कानून में, एफसीआरए कानून में ये विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम को बदलाव लाए हैं, इसके कारण है रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि धार्मिक रूपांतरण। फिर भी आप लोग कह रहे कि हाँ विदेश से तो ऐसे ईसाई संस्था है जो चर्चों के साथ इनका संपर्क है, ये भी पैसे लाते हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा है ऐसे संस्थाओं से आते हैं जिसके साथ धर्म के साथ कोई संपर्क नहीं है। तो आज राजनीति और धर्म के साथ एक सत्य हम एक 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 मिलन आ गया कहीं ना कहीं, ये राजनीतिक कारण है। और आपने खुद लिखा है कि ये आज हमारे देश में जो सरकार चला रहे, जो सत्ते में है भारतीय जनता पार्टी, लोग हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और ऐसे भी लोग कहेंगे कि हमारे देश में सबसे बड़ा जो गैर सरकारी संगठन है यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो धर्म और राजनीति ये दो के मिलन के बारे में आप कुछ कहिए। मैं एफसीआरए से संबंधित, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये तो आपने भी लोकसभा की चर्चा में सुना होगा कि अलग से कन्वर्जन की बात उठाई गई। और फिर मैं दावे से कहता हूं, और मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, आंकड़े हमें मिल जाएं कि क्या सही में क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जो मूल रूप से एफसीआरए फंड्स ले रही हैं। मैं कहूंगा कि बिल्कुल गलत है ये। तो ये फैक्चुअली जब गलत है तो उसके आधार पर आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि एक पूरा का पूरा कानून बदल दिया जाए। और उसमें भी मैं फिर कह सकता हूं, मेरा बहुत अच्छी क्रिश्चियन संस्थाओं से संबंध भी रहा है, मैंने उनके जाके काम को देखा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था किसी एक एक विपक्ष के एमपी ने ये बात कही थी कि मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं और मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली। तो वैसे ही मैं कई जगहों पर काम मैंने जाके इनका काम देखा है, और वो लोग बहुत बुनियादी आम जरूरतों की बात करते हैं। तो आप फिर से एक राजनीतिक मुद्दे को, मुझे लगता है, एफसीआरए के असल स्वरूप से भटकाने के लिए ला रहे हैं, जिससे कि इसको पूरा एक राजनीतिक रंग मिल जाए, लोग इस पर भटक जाएं कि ये एक राजनीतिक प्रश्न है, ये धार्मिक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन का जो काम होता है उसे रोकने के लिए है, जबकि ये उसके लिए नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब वो आंकड़े ही आपको नहीं बताते हैं, जब आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है कहने के लिए, तो ये असल मसला वो नहीं है। मसला दूसरा है जिसकी हम बात कर चुके हैं, और मैं फिर इसको एक बार कह दूं, क्योंकि वो मेरे मन में बहुत है, मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 मिनट आप दें प्रंजय इसके लिए, तो बुनियादी रूप से आप देखिए कि गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी की दो भूमिकाएं हैं, एक सर्विस डिलीवरी जिसकी हमने बात की, और दूसरा है सत्ता पर अंकुश लगा, और वो कम से कम वो जो कहते हैं ना परमानेंट ऑपोजिशन का काम है। आप कोई भी सरकार रहे उससे कठिन सवाल उठाना, ये काम सिविल सोसाइटी का है, और वो ये काम करती रही है, और वो संविधान को अपना सब कुछ मानते हुए, वो संविधान के मूल्यों को, संविधान की स्पिरिट के साथ वो चाहती है कि ये देश चलता रहे, और उस आधार पे बहुत सारे सवाल उठाएगी। लोगों में अगर गरीबी है तो वो सवाल उठाना पड़ेगा हम लोगों को, अगर अशिक्षा आज तक है तो वो सवाल उठाना पड़ेगा, क्यों आज हमारे देश में आजीविका इतना बड़ा सवाल है, क्यों ऐसा है कि 9 लोगों के पास इतना धन है कि वो भारत के 50% जनसंख्या से ज्यादा है। इन सवालों को उठाना विपक्षी दल उठाए ना उठाए, सिविल सोसाइटी का तो हमेशा काम रहेगा, और वो कठिन सवाल उठाता रहेगा, और उसको ये रोकने का प्रयास है, मुझे ये लगता है। दुख इस बात का है, मुझे तो खुशी होती, सरकार से ये उम्मीद होती है, सरकार कहे कि हाँ आप असहमति दिखा रहे हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है आपने ये सवाल उठाया, आपकी जिम्मेदारी है ये सवाल उठाइए, और ऐसे सवाल उठाइए। मुझे तो लगता है वो सरकार को नया कानून लाना चाहिए कि कैसे गैर सरकारी संगठनों को मजबूत करे, जो उसको आईना दिखाए
कि आप में कहाँ कहाँ खामियां हैं और उस खामियों के आधार पर वो तैयार हो कि अपने को बेहतर करे। मगर अमिताभ जी और कुछ हो रहे कि हर जो एनजीओ है, हर सरकारी संगठन का जो कर्मचारी है, आपको एक आधार कार्ड होना जरूरी हो गया। आज हमारे उच्च न्यायालय कुछ भी कहें, आपका आधार कार्ड है होना चाहिए। पसंद नहीं है तो आपका लाइसेंस हो, पहले 180 दिन 6 महीने के लिए कैंसिल कर सकते हैं, आज पूरा साल के कर सकते हैं और 180 दिन हो गया। आप क्या रहे, मैं नहीं, आप क्या रहे कि ऐसे कुछ लोग हैं आज जो सत्ते में है, सरकार में भी है, दे हैव बिकम विंडिक्टिव, एक तरह से प्रतिशोध या बदला लेने का एक दृष्टिकोण है। क्यों बदला ले रहे हैं आपसे, क्यों एक तरह से ये कानून में एक मनमाना है, एक आर्बिट्रेरीनेस है, एक आप कह रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेट है, जो जो क्षमता किसके पास है, यानी एक असंगत है। अब क्यों कह रहे हैं कि आज ये कानून में जो बदलाव लाए हैं, इसमें कुछ लोगों, आप जैसे संस्था है, आप जैसे एनजीओस चलाते हैं, पूनम मुठरेजा जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि हमारे सरकार आज के एनजीओस वो डरे हुए हैं। फिर आप जो जो कह रहे हैं, जिसमें एक और कड़ी और जोड़ दूं कि अलग अलग डेटा है, पर आप यू नो कहीं पर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग सीधे गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करते हैं, तो उनकी अपनी आजीविका का भी एक सवाल आ जाता है। दूसरा, जो आपने आर्बिट्रीनेस की बात की और वो इस कानून में फिर से संशोधन में है, कि हम आप सब जानते हैं, अनुभव से जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हमारे देश में होता है वो अगर बिना मियाद के चलता रहे तो उसका कहीं अंत नहीं होता, और जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मैं एक दलित संगठन है, बहुत बढ़िया काम करता रहा है अहमदाबाद में, नव सर्जन नाम का, और आप शायद जानते हो उनके काम को। उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग पर आज से 20 साल पहले काम शुरू किया था, शानदार काम है मैनुअल स्कैवेंजिंग को उठाना, काम उनका FCRA आज से 2-2.5 साल पहले बंद कर दिया गया और उनका इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और वो 6 महीने में खत्म नहीं हुआ, और वो ये जो प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया में उनके जितने लोग काम करते थे उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया, फ्रोजन है उनका बैंक अकाउंट, और वो सारे लोग आप उनको भी अपनी आजीविका चाहिए, उनको अपना घर चलाना है, कम से कम उनको खाना तो चाहिए, तो वो संस्था बंद हो गई। जो अच्छा काम दलितों के साथ होता था वो समाप्त हो गया, जो ये जिनकी आजीविका यहाँ थी 100-150 लोग जो काम करते थे उनके साथ, उनके घर बर्बाद हो गए, और 6 महीने बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और वो कोर्ट में केस चला गया। तो इसको आप 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर देंगे, तो आप ये सोचिए कि किस तरह से आप ताकत दे रहे हैं उस इंस्पेक्टर को जो ये तय कर रहा है कि वहां पर समस्या है कि। तो अंततः देखिए, जो हम लोग जिस तरह की रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि नेचुरल जस्टिस हो, उसमें आवश्यक है कि आर्बिट्रीनेस ना रहे, और इसीलिए दिनों की बात होती, क्या 6 महीने में आप ये नहीं बता पाएंगे कि उस बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है ऐसी संस्था में जिसको आपने लाइसेंस दिया है, आपके द्वारा अप्रूव्ड बैंक में है, क्या उसने कोई गलत इस्तेमाल किया है, क्या आपको 6 महीने ज्यादा लगेंगे। तो ये फिर एक तरीका है कि आप पूरी की पूरी संस्था को समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, बंद हो जाए साल भर में, और उसके बाद वो बेचारा व्यक्ति जाके कोर्ट में एक ऑर्डर शायद मिल जाएगा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। आप ये सोचिए कि कितने लोगों को नुकसान होगा। वो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जो परिवार थे जो निकल कर आए, उस परिवार की महिलाओं, मैं मिला हूं जाके, मैं उन गांवों में गया हूं जहां वो रहती हैं, उनको जो गरिमा मिली थी कि मैला ढोना ना पड़े उन्हें, उस गरिमा को आप कैसे लौटाएंगे। वक्त कम है इसीलिए आपकी सवाल पारदर्शिता, सचमुच क्या हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में पारदर्शिता है, जो हजारों करोड़, कुछ लोग कहते हैं 6,000 करोड़ से ज्यादा
हमारे राजनीतिक दल को मिलता है, आपको मालूम नहीं है कौन पैसा दिया, वो भी भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जाते हैं। एक और है पीएम केयर्स, जिसमें हजारों करोड़ रुपए आ गया, 9,600 करोड़। इसमें तो एफसीआरए नहीं है, विदेश से आप पैसे डाल सकते हैं, इसमें आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे, कोई एफसीआरए के बात नहीं करेगा। तो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे, क्या आप लगते हैं? इज दिस अ केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स? बिल्कुल, आपने खुद कह दिया, आपके उदाहरण काफी हैं। आप पीएम केयर्स देखें, अभी बना है और उसको एफसीआरए से एग्जेम्पशन भी मिल गया, जबकि बाकी किसी संस्था को अगर एफसीआरए चाहिए तो उसे 3 बरस इंतजार करना पड़ता है। तो आपने एफसीआरए से तो उसे ये कहकर छुट्टी दे दी क्योंकि ये पीएम केयर्स है, लेकिन जब उसमें आप कहते हैं कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन उस पर लगे, तब आप कहते हैं कि ये सरकारी संगठन नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल है, साफ नजर आते हैं। जैसे डबल स्टैंडर्ड्स मैंने आपको कहा, प्राइवेट सेक्टर को आप जितनी मोहब्बत से बुला रहे हैं और उनको रेड कारपेट दे रहे हैं, और जो लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश बेहतर हो, उनके ऊपर आप इस तरह की अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पीएम केयर्स हो जिसमें सब लोग पैसा लगा रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ जाने वाला है, जबकि हमारे यहाँ पूरा का पूरा एनुअल प्लान बनता है और हर पैसे का एक बजट होता है कि ये किस में पैसा जाएगा। आप कभी आके देखें, 10 लाख के में भी होता है कि 10 लाख जो है उसमें 10,000 रुपए ट्रेवल में होगा, 5,000 यहाँ होगा, उतने डिटेल बजट होते हैं और ये सारे अप्रूव होते हैं, वो डोनर के पास होता है और उसका कम से कम ब्रॉड बजट तो अब मैंने जैसे आपको बताया एमएचए के साथ होता है। और ये सवाल हमको कहा जा रहा है कि पारदर्शिता नहीं है, तो अब आप क्या कह सकते हैं? क्यों किया यही से हम आज हमारे बात खत्म करना पड़ेगा। क्यों कर रहे सरकार? क्या जैसे पूनम जी ने कहा कि आप लोग डरा दिया इन लोगों को किसी कारण के लिए, एनजीओ से डरे हुए कुछ लोग है सरकार के अंदर, व्हाई? ये सारे जो संशोधन लाए हैं, कानून में बदलाव लाए, इसका कारण क्या? हमारे गैर सरकारी संगठन न किसी को डराना चाहते हैं और ना मुझे लगता है कि उनमें डराने की क्षमता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं है। पर गैर सरकारी संगठनों में ये जरूर क्षमता है कि वो सही सवालों को बेझिझक, बिना डरे, लगातार सतत रूप से उठाते रहे हैं, और ऐसे बुनियादी सवाल जिसको मुझे लगता है देश में और कोई नहीं उठाता है, और माफ कीजिएगा, ना आपके मीडिया के साथ ही उठाते हैं और ना ही पूंजीपति उठाते हैं, और बहुत हद तक मैं ये कहूंगा कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं उठाते। जैसे मैंने मैला ढोने की बात की, आज उसकी बात हो रही है, तो मैला ढोने की व्यवस्था लगातार चली आ रही थी, पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे बहुत से साथी संगठनों ने उसमें जी जान लगाया है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इस क्षेत्र में मुझे लगता है, जो आपका अगर बहुत सोच के ईमानदारी से मैं जवाब दूं, इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुनियादी मूल्यों के लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार है, और वो लगे हुए हैं कि भारत बेहतर बने, भारत हर व्यक्ति के लिए बेहतर बने। हम ऐसे एक समाज की सिर्फ कल्पना ना करें, संरचना कर सकें जिसमें सबके पास बुनियादी अधिकार हों, बुनियादी जरूरतें हों और मानवीय गरिमा, और उसको पूरा करने के लिए हम बेझिझक सबसे सवाल उठाएंगे। और अगर आप उसे कमजोरी से कर रहे हैं, जैसे हम पर सवाल उठाया जा रहा है, हम आप पर सवाल उठाएंगे, और वो शायद किसी भी शासक को और अभी के शासकों को तो बिल्कुल सही नहीं लगता कि उन पर कोई सवाल उठा सके। अमिताभ जी धन्यवाद, आपका कीमती समय आपने न्यूज़पिक के दर्शक को दिया। आप बारीकी से, विस्तार से, जो सरकार जो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम में क्या बदलाव लाया है, संशोधन लाया, इसका माने क्या है, मतलब क्या है, ये आपने आप खुद समझते हैं, आप लोगों को समझाया, हमारा दर्शक को समझाया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
और आप लोग सुन रहे थे और देख रहे थे अमिताभ बिहार जी को, जो ऑक्सफैम इंडिया का सीईओ है, और ऑक्सफैम इंडिया एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, और आप लोग देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। Thank you.